अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे चिकन चीज़ बॉक्स पैटिस। ये बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स खाने में। तो आप देख सकते हो उसे बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। थोड़ी सी पत्ता गोभी ली यहाँ पर, कट करके रखी है, आप देख लीजिए। और दो बड़ी बड़ी प्याज लेकर हमने इसको ऑमलेट की प्याज की तरह कट किया है। एक प्याली फुल भर कर लिया हरा धनिया। दो चम्मच लिया अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। दो चम्मच लिया लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच लिया भुना कूटा जीरा पाउडर, एक चम्मच लिया हमने सोया सॉस, दो चम्मच लिया है मैदा, इसका हमको घोल तैयार करना है। 300 ग्राम लिया हमने बोनलेस चिकन और इसके छोटे छोटे इसको पीसेस में कट किया, आप देख लीजिए इस तरह से। आपको इसका कीमा तैयार करना हो तो कीमा भी तैयार कर सकते हो मिक्सी में चला कर, पर हमने इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। आपको इस तरह से करना हो तो इस तरह से भी कर सकते हो, या कीमा करना हो तो कीमा भी कीजिए आप। इसको मिक्सी में चलाकर कीमा तैयार हो जाएगा। और शीट्स ली हमने मार्केट से और चीज़ स्लाइस। तो आप देख सकते हो कढ़ाई में एक चम्मच फूल भरकर हमने तेल डाल दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, चिकन ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया हमने। अभी हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। और प्याज को भी हम इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो प्याज डालकर हमने 1 मिनट इसको फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। अभी हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च आप आपके टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। भुना फूटा जीरा पाउडर, ये हमने घर पर ही तैयार किया है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप भी घर पर ही तैयार कीजिए। होम मेड है हमारा। अच्छे से मिक्स कर देंगे। जीरे को तवे पे थोड़ा सा भून लीजिए और उसको मिक्सी में चलाकर इस तरह से दरदरा सा पाउडर तैयार कीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। लाल मिर्च पाउडर और भुना कूटा जीरा पाउडर डालकर हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जीरे की, माशाल्लाह। अभी हम इसके अंदर पत्ता गोभी ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब देख सकते हो पत्ता गोभी डालकर हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे 3-4 मिनट, मिर्ची का कच्चापन जाने तक। तो आप देख सकते हो 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लिया है मीडियम फ्लेम पर, आप देख लीजिए मिर्ची का कच्चापन चला गया है। अभी हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। सोया सॉस डालकर हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। हरा धनिया हमने धोकर बारीक बारीक इसको चॉप कर लिया, ये ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन के पीसेस हमने बहुत बारीक बारीक कट किए थे तो वो भी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, हम दिखा देंगे आपको। तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे, ये तैयार हो चुका है, देख लीजिए आप। चिकन देख सकते हो आप, देख लीजिए कितने अच्छे से ये टेंडर हो चुका है, गर्म है बहुत। बहुत अच्छे से चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। गैस को हमने बंद कर दिया, अभी हम इसको ठंडा होने देंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने खाली प्लेट में एक शीट रख दी है। मैदे का घोल हमने तैयार कर लिया है पानी डालकर, स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। एक शीट हमने इस तरह से रख दिया, आप देख लीजिए। और एक हमको इस तरह से रखना है,
देखिए इस तरह से स्टफिंग अच्छे से भरेंगे हम। अच्छे से भर लेंगे और इसको अच्छे से हम इस तरह से फैला लेंगे। ये हम इसके ऊपर चीज स्लाइस रखेंगे। देखिए इस तरह से ये वाला हिस्सा हमको इस तरह फोल्ड करना है। चीज को पहले अच्छे से अंदर सेट कर लेंगे। ये वाला इस तरफ मैदे का घोल लगा लेंगे। और इस तरफ उसको खींचते हुए बंद कर देंगे। ये वाला उठाकर इस तरफ बंद करना है। तो पहले हम इस तरफ मैदे का घोल लगा लेंगे इस तरह से। इसको अच्छे से हमको बंद करना है। इस तरफ हम मैदे का घोल लगा लेंगे। इसको इस तरह उठाकर बंद कर देंगे। अच्छे से बंद करना है, टाइट बंद करना है। अच्छे से बंद कर लिया। आप देख लीजिए सब तरफ से बहुत अच्छे से हमको इसको पैक कर लेना है। एक हमारा तैयार हो चुका है, देख लीजिए आप। और एक दिखा देते हम आपको। आप देख लीजिए एक शीट हमने रख दी है, दूसरी साइड से रखेंगे। फिर हम इसके अंदर अच्छे से स्टफिंग भरेंगे। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमने इसको भर लिया है। अभी हम इसके ऊपर चीज स्लाइस रखेंगे तरह से। और इसको अच्छे से ऐसे दबाते हुए इसको सेट कर लेंगे। ये वाला हिस्सा उठाकर इस तरफ फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से टाइट बंद करना है हमको इसको। इस तरह से खींचते हुए दबाते हुए इस तरह से देखिए इस तरह से अच्छे से इसको खींचते हुए इस तरह से बंद कर देंगे। ये वाला हिस्सा उठाएंगे। ये वाला हिस्सा उठाकर हमको इस तरह फोल्ड करना है। अच्छे से इस तरह से खींचते हुए दबाते हुए आपको इस तरह से अच्छे से पैक बंद करना है। अच्छे से मैदे का घोल लगाकर आप इसको बंद कीजिए। देखिए इस तरह से देख सकते हो आप। दो हमने तैयार कर लिए। अब इसी तरह से हम सब तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो सभी हमने बनाकर तैयार कर लिए। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया पैन में। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर एक एक करके ऐड करते जाएंगे। तो दो ही इजली हमारे पैन में आए तो दो ही हमने ऐड कर दिए। इसको पलट देंगे। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके, देख लीजिए आप। इसी तरह से इसको फ्राई करना है लाइट लाइट ही। दोनों साइड से बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आ चुका है। अभी हम इसको निकाल देंगे। तो निकाल दिया हमने, आप देख लीजिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। इसी तरह से इसको फ्राई करना होता है। बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरह से। अभी हम और फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो और दो ही छोड़े हैं हमने, दो ही इजिली आ पा रहे हैं इसके अंदर। इसको पलट देंगे। इसको भी हम उलट पलट कर लाइट लाइट ब्राउन कर लेंगे।
ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट लाइट ही इसको रखना है। मीडियम फ्लेम पर इस तरह से उलटते पलटते इसको फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये वाले भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अभी हम इसको भी निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो निकाल दिए हमने, अब इसी तरह से हम सब फ्राई कर लेंगे। देख लीजिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। अब इसी तरह से हम सब फ्राई कर लेंगे। ये हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, एक हम आपको तोड़कर दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए, चीज़ किस तरह से मेल्ट हो चुकी है, देख सकते हो आप। ये लीजिए बनकर तैयार है चिकन चीज़ी बॉक्स पैटिस। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, हमने आपको एक तोड़कर भी दिखा दिया है, चीज़ कितने अच्छे से अंदर से मेल्ट हो जाती है। तो गर्मा गर्म आप इसको इफ्तार के समय अपने दस्तरखान पे सर्व कीजिए इस रमज़ानों में। तो ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपके फैमिली मेम्बर को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है इंशाल्लाह। इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है। तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। और हमारी रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।